गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अपडेट्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स में हमारे रियांश को, हमारे हेलीशा को, हमारे राहुल सुधीर को एंड मास्टली हमारे शुभम मजावा सीजन टू को कैसे वोट कर सकती हो। सो ईजी सा तरीका है, सब लोग आजमाना, सब लोग ट्राई करना। सो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस इन आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में हम लोग, आप लोगों को क्या करना है, एक सबका एक इंस्टाग्राम आईडी होनी चाहिए। सो ये मास्टली इम्पॉर्टेंट है। सो ये होनी ही चाहिए, एकदम ये होनी ही चाहिए। और सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं करना है, स्टोरी लगाना है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आप लोगों को इश्मा मजाओं का फ़ोटो देना है, फिर आप लोग को वहाँ पर लिखना है आई नोमिनेट # इश्मा मजाओं सीजन 2 एज आइकॉनिक मोस्ट लाइक हिंदी टीवी शोज ऑफ द ईयर 2021। फिर आप लोग को लिखना है # आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2021। फिर आप लोग को लिखना है # आइकॉनिक मोस्ट लाइक हिंदी टीवी शो ऑफ द ईयर 2021, ये # लगाना है। सो आप लोग ऐसे ही करके ऐसे आप लोग लिखना, फिर आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को मेंटेन भी करना होगा दो लोगों को। सो आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा टाइपिंग में कि किसको आप लोग मेंटेन करोगे। सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। सो वैसे हमारे राहुल सुधीर का कोई फ़ोटो आप लोग को देना है, अच्छी वाली जो आप लोग को पसंद है, स्टोरी पर लगाना। फिर आप लोग टाइपिंग पर जाना, फिर फिर वहाँ पर आप लोग लिखना है आई नोमिनेट # राहुल RRA ही लिखना है, राहुल सुधीर फ्रॉम # इश्क में मैं जाऊँ सीजन 2 फॉर आइकॉनिक बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2021। फिर आप लोगों को # आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2021 लिखना है, फिर # आइकॉनिक बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2021 ये लिखना है। बस राहुल सुधीर का यही करना है, एक फ़ोटो देना है। इश्क में मैं जाऊँ का रिलेटेड कुछ लिख रही हो, मतलब जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर उसको अगर लिख रहे हो, सो इश्क में मैं जाऊँ का फ़ोटो देना। फिर इश्क में मजाओं का फ़ोटो देने के बाद, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है उसका जो मैंने मेंटेन यहाँ पर लिखा हुआ है @ देके वैसे आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को लिखना है आई नोमी, फिर हेलीशा का भी वैसे ही करना है, हेलीशा का कोई फ़ोटो देके स्टोरी पे आप लोग देना है। सो आई नोमिनेट # हेलीशा फ्रॉम # इश्क में मजाओं सीजन 2 फॉर आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2021 # आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2021 # आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। सो आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2021 ये आप लोग लिखना है, एक्ट्रेस एक्टर ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा सकता है, हम मेरे से भी हो गया। सो आप लोग को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो उसके बाद आप लोग को जो है वैसे ही हमारी हेलीशा का और भी एक मतलब अवार्ड हेलीशा को मिल सकता है। सो हेलीशा का फिर से और कोई फ़ोटो अच्छा वाला आप लोग को लगाना है, फिर वहाँ पर आई नोमिनेट # हेलीशा फॉर द आइकॉनिक स्टाइलिस्ट ओमेन ऑफ द ईयर 2021 # आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2020 ये लिख देना है। बस उसके बाद आप लोगों को सारे के सारे स्टोरी पे आप लोगों को मेंटेन करना होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेंटेन करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को नीचे एकदम क्लियरली दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो ज़्यादा कम मतलब फेशियल पर नहीं किया है, ऐसा किया है कि आप लोग उसको थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, देख के समझने लायक मैंने मेकअप फेशियल पर इसको सेव किया है। सो गाइस अब आप लोगों को राहुल सुधीर का और एक अवार्ड उनको मिल सकता है, मतलब मिल भी जा सकता है। सो राहुल सुधीर का कोई अच्छा वाला फ़ोटो देखकर आप लोगों को लिखना है आई नोमिनेट # राहुल सुधीर फ्रॉम # इश्क़ में मजाओं सीजन 2 फॉर द फिटेस्ट एक्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2021 # आइकॉनिक बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2021 # एक्टर # टेलीविजन # इंटरनेशनल आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2021 # आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स # आइकॉनिक मोस्ट पॉपुलर। ऐसा सब जो मैंने यहाँ पर जो भी स्क्रीन पे लिखा है सबको लिख देना, और हर चीज़ में मैं आप लोगों को बता दूँ इंपॉर्टेंट सी चीज़ आप लोगों को मेंटेन करना होगा। टाइपिंग में जाके नहीं, आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा फिर मेंटेन लिखा हुआ रहेगा, फिर आप लोगों को जो है क्लिक करना है। आप लोग जब स्टोरी करोगे, आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो लिख देना, जब आप प्लीज़ दिखाइए, तब मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को फुल दिखाऊंगी, जो ऐसा करके ऐसा जाना है वैसा करके ऐसा जाना है। फिर हेलीशा का कोई फ़ोटो आप लोगों को
लेना है, फिर उसके बाद आप लोग उसमें लिखना है आई नोमिनेट, या फिर यहाँ मतलब आप लोग और भी एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके कोई ऐप से आप लोग को उसको हेलीशा के फ़ोटो में लेके जाके रख देना, फिर जो इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग मेंटेन पे दो जो मेंटेन यहाँ पर दिया हुआ है उसको लगा लेना। सो आई नोमिनेट फॉर सॉरी हैशटैग हेलीशा फ्रॉम हैशटैग इश्मा मजाओ सीजन 2 फॉर द फिटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2081। उसके बाद आप लोगों को हैशटैग आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2081 हैशटैग एक्ट्रेस हैशटैग टेलीविजन हैशटैग आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स, उसके बाद हैशटैग गोल्ड मतलब सब लोग जो भी मैंने लिखा है लिख देना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके कोई ऐप से आप लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि इतना लिखना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग का हाथ मतलब सबका हाथ दर्द हो जाते हैं ऐसे टाइपिंग करके के फ़ोन में। सो आप लोगों फिर आप लोगों हेलीशा का और एक फ़ोटो देना है और एक अच्छी वाली, सो उसमें आप लोग लिखना है आई नोमिनेट हैशटैग हेलीशा फॉर द आइकॉनिक फिट दीवा ऑफ द ईयर 2021 हैशटैग आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स, ये बस लिख देना 2021 ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना उसको लिख देना, ठीक है गाइस यही बस बता दिया। ये वीडियो लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें बकवास नहीं था, बस और बस आप लोगों को बता दिया। सो अब आप लोगों को क्या करना है, स्टोरी पे ना ये सब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उसको आप स्क्रीनशॉट करना, फिर कोई ऐप पे, मैं तो थंबनेल एडिट करती हूँ पिक्सेलैब ऐप से, तो आप लोग उस ऐप पे आप लोग डाउनलोड करना जिसको आता है, जो फैन पेजेस है सो वो लोग ऐसे ही करें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे इस यहाँ से स्क्रीनशॉट लिए लोग क्रॉप करके वहाँ पर जो लोग मतलब ऐप पे सेट कर लेना, उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर मेंटेन दिख रहा होगा जब मैंने बताया अभी तो नहीं है, सो आप लोग जो है उसी को जो है आप लोगों को वहाँ पर मेंटेन कर लेना है दो चीज़ों को, एक तो इंटरनेशनल आइकॉनिक सॉरी आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, क्या क्या बोले जा रही हूँ मेरे एकदम मुँह पे ना इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स भी आ चुके हैं, सो हम मैं कुछ नहीं कर सकती। सो गाइस इस वीडियो का ये पे एंड होता है, न्यू कोई अपडेट्स के साथ मिलती हूँ, ये वीडियो अपने आप ही लॉन्ग हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।